आज हम बात करेंगे 1964 में रिलीज हुई फिल्म दोस्ती की। 1964 में आई फिल्म दोस्ती, जो कि राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले बनी थी और जिसे सत्यन बोस ने निर्देशित किया था। इसे ताराचंद बड़जात्या ने प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म की कहानी बान भट्ट और गोविंद मुनीस द्वारा लिखी गई थी। इस फैमिली म्यूजिक ड्रामा फिल्म में सुधीर कुमार सावंत और सुशील कुमार सोमया ने बतौर लीड एक्टर काम किया था। यह फिल्म दो दोस्तों की दोस्ती पर बेस्ड है, जिसमें एक दोस्त अंधा तो दूसरा दोस्त लंगड़ा होता है। फिल्म में बैसाखी का सहारा लिए रामनाथ का किरदार सुशील कुमार ने निभाया था, जबकि अंधे दोस्त मोहन का रोल सुधीर कुमार ने प्ले किया था। आपको बता दें कि दोस्ती 1964 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इस फिल्म ने राज कपूर और राजेंद्र कुमार की फिल्म संगम को जबरदस्त टक्कर दी थी। संगम को जहां एक फिल्मफेयर अवार्ड से नवाजा गया था, वहीं दोस्ती ने 6 अवार्ड्स जीतकर इतिहास रच दिया था। इस फिल्म को फिल्मफेयर अवार्ड्स 1965 में 7 कैटेगरी नॉमिनेट किया गया था और इसके साथ ही दोस्ती को उस साल का नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी का अवार्ड भी मिला था। नए सितारों से भरी इस फिल्म को हर किसी ने पसंद किया था। बता दें कि 1964 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म संगम थी और दूसरे नंबर पर आई मिलन की बेला थी। तीसरे नंबर पर फिल्म दोस्ती थी। इस गाने में दिख रहे दो सितारे सुशील कुमार और सुधीर कुमार रातों रात स्टार बन गए थे। हालांकि इनका करियर इस फिल्म के बाद ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। इसके साथ ही ये फिल्म दोनों के करियर की आखिरी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई। इस फिल्म के बाद शायद ये दोनों सितारे और किसी फिल्म में देखे नहीं गए। हालांकि आपको जानकर दुख होगा कि इस फिल्म में मोहन का रोल प्ले करने वाले सुधीर कुमार अब हमारे बीच नहीं हैं। कैंसर की वजह से ईयर 1993 में उनका निधन हो गया था। सुधीर एक मराठी परिवार से संबंध रखते थे। वो मुंबई के लालबाग परेल इलाके में रहते थे। दोस्ती के बाद सुधीर ने फिल्म लाडला और जीने की राह जैसी फिल्मों में काम भी किया। वहीं कई सालों तक लोकल सिनेमा का हिस्सा रहे। उन्होंने जानकी, अन्नपूर्णा और सुदर्शन ची राणी जैसी मराठी फिल्मों में भी काम किया था। फिल्म में विकलांग रामनाथ का किरदार निभाने वाले सुशील कुमार अभी भी हमारे बीच में हैं और मुंबई में अपनी वाइफ के संग रहते हैं। उनकी एक बेटी है जो अमेरिका में रहती है। फिल्म दोस्ती करने से पहले सुशील ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कई सारी फिल्मों में काम किया था। इसके साथ ही उन्होंने काला बाजार, धूल का फूल, दिल भी तेरा हम भी तेरे, फिर सुबह होगी, श्रीमान सत्यवादी, संपूर्ण रामायण और फूल बने अंगारे में काम किया था। हालांकि दोस्ती फिल्म से वह काफ़ी मशहूर हो गए थे।